फिल्म की शुरुआत में हमें एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो दिखाया जाता है जिसमें माइकल उसकी पत्नी समांथा और उनकी बेटी एली थी, जिसके बाद हम माइकल को एक स्पिरिचुअल एडवाइस देने वाली फीमेल बेवरली के पास देखते हैं, जिससे एडवाइस लेने समांथा भी यहाँ आया करती थी। दरअसल समांथा की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसका जिम्मेदार माइकल बेवरली को मानता है, क्योंकि समांथा की मृत्यु से कुछ दिन पहले वो दोनों यूरोप घूमने जाने वाले थे, लेकिन बेवरली के कहने पर समांथा ने जाने से मना कर दिया। दरअसल बेवरली ने उसे कहा था कि तुम्हें तुम्हारे एक्टिंग करियर में बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है, इसलिए तुम्हें यही रहना चाहिए। पर माइकल भगवान या शैतान पर विश्वास करने वाला इंसान नहीं है, उसे ये सारी चीजें बस पैसे कमाने का जरिया लगती है। वो बेवरली को कन्विंस करने को कहता है कि तुम ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए करती हो, लेकिन वो ना मानकर ही उसे वहां से जाने को कह देती है। माइकल अब वहां से अपने घर आता है, जहां उसकी बहन बेथ उनके साथ रहने आई थी ताकि वो एली का ख्याल रख सके। वो अब अपने कैमरामैन जॉर्डन के साथ एक वीडियो बनाता है, जिसमें वो सभी को चुनौती देते हुए कहता है कि मैं दुनिया के सारे खतरनाक रिचुअल्स, काले जादू वगैरह को खुद पर करके साबित कर दूंगा कि ये सारी चीजें झूठी है। इसलिए अगले दिन माइकल की अपलोड की हुई वीडियो पर कई सारे रिस्पॉन्स आते हैं, जो माइकल से अपना अनुभव शेयर करना चाहते थे और कुछ लोग रिचुअल्स भी करना चाहते थे, जैसा उसने वीडियो में कहा था। माइकल फिर एक प्रीस गिब्सन से मिलता है, जो उसे अपनी आत्मकथा शेयर करता है कि मेरे पिता बचपन में मुझे बहुत मारते थे और जबरदस्ती करने की कोशिश भी करते थे, इसलिए मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी बदला नहीं, जिससे थक हार कर मैं शैतान के पास गया और उन्होंने इनफैक्ट मेरी प्रार्थना सुन भी ली, जिसके बाद अगले ही दिन मेरे पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पर माइकल को इस पर भरोसा नहीं होता और वो उसे कहता है कि ये संयोग हो सकता है। वो अब घर आकर कई सारे काले जादू की चीजें मंगवाता है और खुद पर रिचुअल करने की कोशिश करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब अगले दिन वो एक डेमोनोलॉजिस्ट कपल से मिलता है, जो उस पर रिचुअल करने से पहले उसे चेतावनी देते हैं, पर माइकल उनकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो कपल माइकल को अपनी आंख बंद करके कुछ भी ड्रॉ करने को कहते हैं, जिससे फिर वो एक अजीब सी चीज बनाता है। वो कपल फिर एक किताब में से एक शैतान की फोटो दिखाते हैं, जो माइकल के बनाए स्केच से हूबहू मिलता था, इसलिए अब वो कपल शैतान को बुलाने का रिचुअल माइकल पर ट्राई करते हैं और उसे बेसमेंट में ले जाकर उसके सीने पर किसी तरह का निशान बनाते हैं, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। वो फिर अब एक फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलता है, जो माइकल के पेट पर हाल ही में एक इंसान जिनकी मृत्यु हुई थी उसके दांत को सील देता है और फिर एक मेंढक को मारकर उसके शरीर से DMT केमिकल निकालता है, जो शरीर में मरने के बाद बनता है। वो दोनों अब एक शैतान घाट पर आते हैं, जहां डायरेक्टर माइकल पर शुरू कर देता है, जिसमें वो माइकल को DMT केमिकल का धुआं पीने को कहता है और फिर उसे पीते ही माइकल अपना होश खोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। पर जॉर्डन को माइकल कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है, जो फिर उसे दीवार के पास छिपा हुआ दिखाई देता है, और जब वो उसे आवाज लगाता है तो माइकल पीछे मुड़ता है, जिसकी आंख अब काली हो चुकी थी, यानी कि शायद रिचुअल का असर माइकल पर हो चुका है। और फिर तभी माइकल जॉर्डन पर कूद जाता है, पर भाग्य से वो अंत में नॉर्मल भी हो जाता है। अब वो वहां से घर लौटता है और कैमरा पर अपना अनुभव शेयर करता है कि जब मुझ पर रिचुअल हो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पत्नी ने मुझे आवाज दी, जो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसे अब भी इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब DMT को लेने के कारण हुआ है। वही अब रात को नींद ना आने के कारण वो सो नहीं पाता और ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था, जिसके बाद अब दिन ब दिन माइकल का व्यवहार बदलने लगता है। वो कभी खाने की चीज को कुछ और समझकर डर जाता है तो कभी अजीब आवाजें निकालने लगता है, और यहाँ तक कि उसे अजीब आवाजें सुनाई भी देने लगती है। इसलिए वो अपनी आवाजों को रिकॉर्ड करके जॉर्डन को देता है, जिसे सुनकर वो उसे एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि ऐसी आवाजें इंसान की वोकल कॉर्ड नहीं निकाल सकती। इसके बाद वो अगले दिन एक साइकियाट्रिस्ट से मिलता है, जो उस पर हिप्नोसिस करती है, जिससे माइकल को फिर से वो आवाजें सुनाई देती है, लेकिन उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज ही आखिर कहना क्या चाहती है। पर जैसे ही वो बताने वाला होता है कि तभी वो अजीब हरकत करना शुरू कर देता है, जैसे मानो वो तड़प रहा हो, और फिर इन सब चीजों से जॉर्डन भी एकदम सा डर जाता है, इसलिए वो माइकल के साथ काम करने से मना कर देता है। माइकल अब अकेले खुद को शूट करना शुरू करता है, जिसमें वो कहता है कि जो चीज मेरे अंदर है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, मुझे अब और भी ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगी है। और फिर तभी उसकी खिड़की से कबूतर
कबूतर टकरा जाता है और वहाँ एली आकर उसे कहती है कि मैंने सपने में एक शैतान को देखा। जो सुनकर माइकल कहता है कि तुमने बस बुरा सपना देखा होगा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन फिर वो जवाब देती है कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि आप ही थे। जिसे सुनकर माइकल एकदम घबरा जाता है, पर फिर भी वो उसी को समझाने की कोशिश करता है। जिस पर अब एली कहती है कि हमारा कुत्ता भी घर पर नहीं है, इसलिए अब माइकल उसे ढूंढने घर के बाहर आ जाता है। पर जब वो खिड़की के पास जाता है तो उसे कबूतर का शव कहीं दिखाई नहीं देता, पर वहां से आगे जाने पर उसे कबूतर का शव दिखाई देता है जिसे चींटियां खा रही थी। और अब जब वो अपने घर लौटता है तो उसकी खिड़की पर उसे कोई आत्मा दिखाई देती है, जिसे देख वो तुरंत एली के कमरे की तरफ भागता है ताकि एली को कोई नुकसान ना पहुंच सके। पर घर के अंदर प्रवेश करते ही वो बेथ से टकरा जाता है, जो उसे बताती कि एली ठीक है, वो सो रही है और तुम भी सो जाओ। पर माइकल कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, जिस पर वो उसे नींद की गोली देती है लेकिन वो भी काम नहीं करता। अब अगले दिन वो अपनी लाइव वीडियो चालू करके अपने अंदर की आवाज से बातें करने की कोशिश करता है और सारी चीजें टीवी पर मॉनिटर भी कर रहा होता है। वो अब उन आवाजों से कहता है कि यदि मैं तुम पर विश्वास करने लगा तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे, यानी कि अब उसे भगवान या शैतान पर भरोसा होने लगा है। जिसके बाद अब टीवी में से पोजेस माइकल जवाब देता है, जिसे देखकर रियल माइकल एकदम से घबरा जाता है और भागते हुए गिब्सन के पास आता है। लेकिन एक फीमेल कहती है कि तुम उनसे नहीं मिल सकते, पर फिर माइकल के अंदर का शैतान उसे उस फीमेल को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो कैसे तो अपने आप पर नियंत्रण करता है। पर तभी वहाँ एक फादर आकर उसे कहते हैं कि गिब्सन कुछ दिन पहले ही चल बसे, जो सुनकर वो परेशान हो जाता है। वो अब फादर से विनती करता है कि मुझ पर भी एक्सोर्सिज्म करो ताकि मुझे इन सब से छुटकारा मिल सके, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देते हैं कि चर्च ये सारी चीजें नहीं करता। इसलिए अब वो वहाँ से फ्यूनरल डायरेक्टर के पास आता है, जो भी माइकल को ये कहते हुए भगा देते हैं कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि ये सब चीजें अच्छी नहीं होती। इसलिए अब माइकल गुस्सा हो जाता है और वहाँ से डीमोनोलॉजिस्ट कपल के पास आकर उसे मारते हुए कहता है कि मुझ पर रिचुअल करो, पर उसकी पत्नी माइकल पर गन तान कर उसे वहाँ से भगा देती है। अब इसके बाद हम रात को देखते हैं कि माइकल एली के कमरे में चाकू लेकर जा रहा है, जो दरअसल उससे शैतान करवा रहा था, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। और अगले दिन उसे अपने हाथ में खून लगा मिलता है और तभी उसे एली के कमरे से बेथ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो वहां जाता है तो उसे एली का बेड खून से सना दिखाई देता है, जहां उसके कुत्ते का शव था। और तब तक वहां एली भी आ जाती है, जो माइकल के हाथ में खून देख बेथ को लगता है कि ये सब माइकल ने किया, जिससे घबराकर वो एली के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिससे माइकल और ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने कमरे के सारे सामान को तोड़फोड़ करने लगता है। इसके बाद रात को वो खुद पर ही खुद से रिचुअल करने की कोशिश करता है, पर उसके अंदर का शैतान उसे इधर उधर फेंकते हुए उसे ऐसा करने नहीं देता। जिसके बाद माइकल बाइबल पढ़ना शुरू करता है, लेकिन बाइबल पर उसका विश्वास ना होने के कारण वो वहीं जल जाती है। जिसके बाद अब वो चाकू से खुद के सीने पर काट कर एक विच तारा बनाता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और फिर वो शैतान उसे दूर फेंक देता है। अगले दिन अब माइकल कैमरा के सामने अपने सीने पर बने तारा को सिलते हुए कहता है कि मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा, और वो सुई को अपनी उंगली के अंदर डाल के भी दिखाता है। जिसके बाद उसे सुनाई देने वाली आवाजें उससे कहती है कि अपनी बेटी को मार दो, लेकिन माइकल कैसे तो खुद पर कंट्रोल करके उन्हें मना कर देता है, जिस पर माइकल अंत में मान जाता है। वो अब रात को घर के बाहर किसी को ढूंढने लगता है जिसे वो मार सके, कि तभी उसके सामने एक लड़की गुजरती है लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। जिसके बाद उसे एक गरीब दिखाई देता है जो सड़क पर सो रहा था, पर उसमें उसे भी मारने की हिम्मत नहीं हो पाती। इसके बाद अब वो घर लौटकर अपने आप को हथकड़ी से बांध देता है ताकि वो कहीं जा ना सके और किसी की जान ना ले ले। पर इसके बाद वो अजीब तरह से तड़पने लगता है, और जब अगले दिन उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हथकड़ी से आजाद पाता है और उसका हाथ भी खून से सना था, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है। वहीं दीवारों पर भी उसे खून दिखाई देता है जो उसके कमरे तक जा रहा था। और जब वो कमरे में जाता है तो टीवी पर लिखा था वॉच मी, यानी कि मुझे देखो। इसलिए अब जब माइकल टीवी ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि जब वो सो रहा था तो जॉर्डन उसके कमरे में आया था, जिससे पोजेस माइकल ने उसे फुसलाकर अपनी हथकड़ी खुलवा दी, जिसके बाद वीडियो अपने आप ही बंद हो गई। अब जब माइकल जॉर्डन को फोन करने की कोशिश करता है तो उसके फोन की घंटी
घंटी की आवाज एली के कमरे से आ रही थी। जीस की पुष्टि करने के लिए जब वो वहाँ जाता है तो उसे जॉर्डन का शव दिखाई देता है जो ऊपर लटका हुआ था, जिससे वो एकदम घबरा जाता है। अब सारी चीजों से थककर माइकल आत्महत्या करने की सोचता है और कांच के टुकड़े से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर वो शैतान उसे ऐसा करने नहीं देता और वो कांच के टुकड़ों को दूरी फेंक देता है। इसके बाद अब माइकल बहुत सारी नींद की गोलियां निगल लेता है और कैमरा पर रोते हुए कहता है कि यदि ये वीडियो किसी को मिले तो मेरी बेटी से कहना कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। पर फिर तभी वो शैतान कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारे शरीर में रहना अच्छा लग रहा है। और फिर वो माइकल से वो सारी गोलियां वॉमिट करवा देता है, जिसके बाद वो उसे भड़काता है कि अपनी बेटी को मार दो, लेकिन माइकल अनसुना करने की कोशिश करता है। अब रात को वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सारी आवाजें झूठी है, मैं बस कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, जिस पर अब वो शैतान हंसने लगता है। इसके बाद अगले दिन बेथ एली के साथ घर आती है कि शायद अब तक माइकल ठीक हो चुका होगा, पर उनके घर में प्रवेश करते ही एली तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और माइकल वहीं दरवाजे के पीछे खड़ा था जो दरवाजे को लॉक करके अब बेथ की तरफ बढ़ रहा होता है। बेथ उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन वो उसे अपने हाथ से उठाकर उसका गला तोड़ते हुए उसकी वहीं जान ले लेता है। और तब तक वहाँ एली भी आ जाती है, जिस पर माइकल अपने आप पर नियंत्रण करके कहता है कि मुझसे दूर भागकर कहीं छुप जाओ, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। पर तभी वो फिर से नियंत्रण के बाहर आ जाता है और अब वो एली को ढूंढने लगता है जो उससे अंत में मिल भी जाती है, इसलिए अब वो उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है। पर भाग्य से तभी वहाँ एक सिक्का अपने आप घूमने लगता है जो सैमांथा का फेवरेट था, जिससे माइकल समझ जाता है कि उसकी स्पिरिट यहीं गई है। और अब उसे सैमांथा की आवाज भी सुनाई देती है जो उसे खिड़की से कूद जाने को कहती है, जिसके बाद वो एली को बचाते हुए खिड़की से सीधे कूदकर अपनी जान दे देता है। अब फिर से सैमांथा की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद अगले सीन में फिर से माइकल की डॉक्यूमेंट्री वीडियो चलती है जिसमें उसका पूरा परिवार था, पर तभी सैमांथा की रिंग गिर जाती है और जैसे ही वो उसे लेने रोड पर आती है तो एक कार वहां उसे टक्कर मार देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।